सनमति, सागर मोबाइल, धनतेरस और दीपावली की खरीदी पर पाए विशेष उपहार, 0% ब्याज पर फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। पता याद रखें, विश्व भारती रोड, भगवानगंज, सागर। मध्य प्रदेश के सागर में बच्चा चोर गिरोह की दस्तक से सागर जिले में सनसनी फैल गई, जहां एक व्यक्ति 6 साल की बच्ची को सरेराह अगवा करके ले गया। बच्चा चोर गिरोह की बात सुनकर पुलिस की भी सांसें फूल गईं। मामला सागर जिले के बहेरिया थाना क्षेत्र के लक्ष्मी नगर क्षेत्र से जुड़ा है। पीड़ित ने बच्ची के गुम हो जाने की सूचना बहेरिया पुलिस को दी थी। आनन फानन में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जहां पता चला कि कोई संदिग्ध शराब के नशे में है और बच्ची को गोद में उठाकर ले जा रहा है। यह तस्वीरें पीड़ित पक्ष को पुलिस ने दिखाई, जिन्होंने उस शख्स को पहचान लिया। उनके द्वारा जानकारी लगी कि यह सुरखी थाना क्षेत्र के बिलहरा के पास नवलपुर गाँव का रहने वाला है, जिसका नाम प्रताप सिंह लोधी है। पुलिस ने तत्काल एक टीम रवाना की, साथ ही सुरखी उकेदली थाना को भी अलर्ट कर दिया। करीब 1 घंटे के प्रयास के बाद पुलिस जब प्रताप के घर पहुंची, तो आरोपी बच्ची के साथ था। प्रताप की हालत बयां कर रही थी कि वह कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था, वजह थी कि वह बेहद नशे में था। एक बच्ची के गायब होने की सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस ने सर्वप्रथम जो है सीसीटीवी फुटेज खंगाले और संदिग्धों को आइडेंटिफाई करते हुए और चंद ही घंटों के अंदर, 1-2 घंटे के अंदर ही पुलिस ने सकुशल बच्ची को खोज निकाला और साथ में आरोपी को भी अपने कब्जे में लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है, लगातार कायम किया गया है और उसको आरोपी को हिरासत में माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। शिकायत ये की गई थी कि बच्ची जो है अपने घर से गुमशुदा है। उस शिकायत पर से पुलिस तत्काल एक्शन में आई और एक्शन में आके उसकी तलाश शुरू की, तो ये पाया गया कि आरोपी जो है अपने साथ मोटरसाइकिल से अन्य व्यक्ति के साथ उस बच्ची को ले गया था। बच्ची का बयान दर्ज कराया जा रहा है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है। अभी प्रथम दृष्टया तो बच्ची को वो अपने साथ ले गया, वजह उसकी स्पष्ट अभी सामने नहीं आई है। पूछताछ में स्थिति स्पष्ट होगी कि वो क्यों ले गया। प्रथम दृष्टया उस बच्ची को ले गया और उसको कुछ कपड़े पर दिलाते हुए बिना मतलब उसके वैध संरक्षकों की परमिशन के अपने साथ ले गया, अतः उसने अपराध पंजीकृत किया गया। पीड़ित पक्ष के यहाँ उसका आना जाना था, लेकिन बिना बताए बच्ची को शराब के नशे में ले जाना बड़ा क्राइम था, लिहाजा पुलिस ने उस पर कार्रवाई की है। साथ ही मासूम को उसके परिजनों को सौंप दिया है। लेकिन बच्चा चोर गिरोह की यह खबर आग की तरह सागर शहर में फैल गई। तमाम परिजनों से यही गुजारिश है कि वो अपने मासूमों को बेहद सुरक्षित रखें। लड़कियों के मामले में वह किसी पर यकीन न करें और न ही भरोसा करें। जमाना बेहद खराब दौर से गुजर रहा है। जितेंद्र श्रीवास के साथ हर गोविंद प्रजापति, सागर एक्सप्रेस न्यूज, मखरौनिया। सागर एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते हैं तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।